हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है जो आपके रेलवे के एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम के लिए जबरदस्त और शानदार ये क्लास रेगुलर आपको इसी चैनल पर मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो आपकी विभिन्न रेलवे एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी पर्सनों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है ना, वो पूरा कवर कर लेंगे इन पर्सनों के माध्यम से। फिर एग्जाम में किसी भी प्रकार से यदि यहां से प्रश्न आता है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करें। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और देखिए इसका आंसर आपको देना है कि क्या आंसर आएगा। सीधा सा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। जो गौतम बुद्ध है, जो बौद्ध धर्म के हैं, उनका संबंध किस गण से था। तो देखिए, गण की जगह आपसे यहां पर कुल भी पूछा जा सकता था, ठीक, तब तो आप इसका आंसर कर भी सकते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग शब्द आपके सामने रखा है प्रश्न में, जो कि आपको कंफ्यूजन की तरफ लेकर जाता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो गण का मतलब है यहां पर कि गौतम बुद्ध का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस कुल से था। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, किस कुल से था, शाक्य क्षत्रिय कुल से। ठीक है, चीजें क्लियर। अब देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? नेपाल के तराई में स्थित, नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में। ये आपको ध्यान रखना है, कौन से गांव में? लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन के नाम के बारे में बात करें तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। किन की बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रश्न देखा कि वो किस गण, किस कुल से संबंधित थे, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया आपके सामने? शाक्य कुल से वो संबंधित थे। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व है, नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। और इनके बचपन के नाम के बारे में यदि हम बात करें तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। हुई चीजें क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, यह तो प्रश्न पूछा है, लेकिन किन को दिया था ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस नाम से बौद्ध ग्रंथों में उसको जाना गया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को यहां पर कवर करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का आंसर लीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, किनको दिया था? पांच ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। किनको दिया था? पांच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक। पहला उपदेश सारनाथ में, पॉइंट क्लियर। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्यों छोड़े हम? श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में, किनको दिया था, पांच ब्राह्मण सन्यासियों को, और सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे, तो दिए थे श्रावस्ती में। कहां दिए थे? श्रावस्ती में। अब ऑप्शन के ऊपर हम चलते हैं, और पहला ऑप्शन है बोध गया। कुछ ध्यान आ रहा है? यदि आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इस शब्द को आप आसानी से पहचान सकते हो, और इससे संबंधित ये कि ये शब्द है ना, वो गौतम बुद्ध से कहां तक संबंधित है ये भी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ध्यान देना, अब पता लग जाएगा, कभी भूलने वाले नहीं हो। बोध गया के बारे में बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
गौतम बुद्ध को कहां पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बोधगया में। लुम्बिनी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, अभी अभी हमने बात की थी। कुशीनगर की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी? मृत्यु का जो स्थान है वो कुशीनगर है। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में किसकी संज्ञा दी गई? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। देखिए तीन शब्द हैं, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। पहला उपदेश सारनाथ में, जिसको बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। दूसरा, इनकी मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में। बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण। तीसरा, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था। अपनी आम भाषा में बात करें तो क्या हो गए थे? घर छोड़कर चले गए थे, ठीक है, जिसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आ गई चीजें क्लियर? ये तीन जो शब्द है ना, ये तीन शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और दूसरा है उनकी मृत्यु, जो कि कुशीनगर में हुई, और उनको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया, कहने का मतलब घर छोड़कर ये चले गए थे, जिसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या आप भूल सकते हो इनको? नहीं भूलोगे, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान रखना है। लुम्बिनी के बारे में बता दिया, जन्म हुआ था बोध गया में, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चीजें क्लियर आ गई बात समझ में? तो चले अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि तीन पीठकों में अभिधम पीठक रिक्त स्थान से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में तीन पीठक हैं, अभिधम पीठक, सूत पीठक और विनय पीठक, ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा है? सूत पीठक और विनय पीठक। एक आपके सामने लिखा गया है अभिधम पीठक, ये त्रिपिटक जिनको बोला जाता है, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखिए कि जो तीन पीठक हैं, उन तीन पीठकों में अभिधम पीठक जो है ना, वो किससे संबंधित है? या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अभिधम पीठक में किसका वर्णन किया गया है, और यहां पर आपके सामने पूछा है कि किससे संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से। बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक मामले हैं वो किस में है? अभिधम पीटक में है। अब तीन पीटक के बारे में आपने बताया, ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर सूत पीटक और विनय पीटक में भी कुछ होगा। जी हाँ, यदि अभिधम पीटक में दार्शनिक मामले हैं तो सूत पीटक और विनय पीटक जो है उनमें भी तो है। तो सूत पीटक की हम बात करें तो इसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। जो गौतम बुद्ध है, जो भगवान बुद्ध है, उनके जो धार्मिक विचार है और उनके जो धार्मिक वचन है उनका संग्रह है किसमें? सूत पीटक में। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है आनंद, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? आनंद है, ठीक है। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह कौन से पीटक में है? सूत पीटक में है, जिसकी रचयिता कौन है? आनंद है। अब बात आती है कि सर विनय पीटक के बारे में बता दीजिए। चलो भाई विनय पीटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो विनय पीटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम, आचार और विचारों का संग्रह। बौद्ध संघ के जो नियम है, जो आचार, जो विचार हैं, उनका संग्रह है विनय पीटक में। और भगवान बुद्ध के जो धार्मिक विचार है और जो वचन है उनका संग्रह है सूत पीटक में। और अभिधम पीटक में है दार्शनिक मामले, ठीक है। तीनों पीटक कंप्लीट, तीनों पीटकों में क्या क्या बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें हैं वो भी कंप्लीट। आ गई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया? वो अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए बुद्ध चरितम क्या है? एक महाकाव्य है जो दूसरी शताब्दी में लिखा गया था,
ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। तो बुद्ध चरितम नामक, सॉरी नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध धर्म की नींव रिक्त स्थान महान सच्चाइयों एवं रिक्त स्थान अंगीय पथ पर आधारित है। देखिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, वैसे सीधा सा है, यदि ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे शब्दों में पूछ लेता तो आप इनको आसानी से बता सकते थे, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा यहां पर प्रश्न को आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। और क्या लिखा है कि बौद्ध धर्म की नींव रिक्त स्थान महान सच्चाइयों, कि कितनी महान सच्चाइयों और कितने अंगीय पथ पर आधारित है। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का आंसर दे देता हूं कि चार महान सच्चाइयों और आठ अंगीय पथ पर आधारित है। चार और आठ किस में है, ऑप्शन ए में। अब इस प्रश्न को समझिए, देखिए बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य हैं, ठीक है, दुखों से जो सांसारिक मोह है उससे मुक्ति पाने के चार आर्य जो सत्य बताए थे। देखिए इसमें क्या है, बौद्ध धर्म की नींव में चार जो महान सच्चाइयां बोल सकते हैं, उन चार महान सच्चाइयों के बारे में बात करें तो पहला है दुख, क्या है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। तो ये चार महान सच्चाई है। और साथ में बात कही गई थी, आपने पढ़ा होगा अष्टांगिक मार्ग की, कौन से मार्ग की, अष्टांगिक मार्ग की। तो ये आठ अंगीय पथ हैं, किस पर है, आठ अंगीय पथ पर आधारित है। ये चारों आपको ध्यान रखने, कौन कौन से हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म की नींव की चार महान सच्चाइयां हैं, ठीक है, और साथ में आठ अंगीय पथ पर आधारित है, क्या, बौद्ध धर्म की नींव। आ गई बात समझ में। चल निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, तो कौन सा है, महाबोधि मंदिर। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। जो महाबोधि मंदिर है ये क्या है, भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। चलो महाबोधि मंदिर के बारे में यदि यहां पर हम चर्चा करें तो ये सबसे पहले तो पॉइंट यही आता है कि ये कहां पर है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, उरुवेला बिहार में, उरुवेला बिहार में। दूसरा पॉइंट यह निकल कर आता है कि जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी जगह पर यह मंदिर है, उसी जगह पर क्या है, ज्ञान की प्राप्ति वाले जगह पर यह मंदिर है। तीसरा पॉइंट यह निकल कर आता है कि जो महाबोधि मंदिर है इसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति किस प्रकार की है, तो इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में है, पद्मासन मुद्रा में गौतम बुद्ध की क्या है, मूर्ति है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये तीसरा पॉइंट है। तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, इसमें पद्मासन मुद्रा में क्या है, मूर्ति है। चौथा पॉइंट आता आपका कि यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, या बोल सकते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। ठीक है, चार पॉइंट महाबोधि मंदिर से संबंधित जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये उरुवेला बिहार में है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, वहीं पर ये मंदिर स्थित है, इसमें जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है वो पद्मासन मुद्रा में है, और चौथा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। चलो ऑप्शन के बारे में बात कर लें, गोरखनाथ मंदिर कहां पर है, गोरखपुर नगर यूपी में है, कहां पर है, गोरखपुर नगर यूपी में। विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसकी बात करें तो यह भी यूपी में है, कहां पर है, यूपी में। निधिवन मंदिर की बात करें तो जो निधिवन मंदिर है यह वृंदावन में है, कहां पर है, वृंदावन में। कौन से भगवान को समर्पित है कृष्ण भगवान को समर्पित है निधिवन मंदिर। आ गई बात समझ में, यहां पर गोरखनाथ मंदिर यूपी में, गोरखपुर नगर यूपी में, विश्वनाथ मंदिर जो है वो भी यूपी में है, महाबोधि मंदिर जो उरुवेला बिहार में है।
निधिवन मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन है, भगवान कृष्ण को संबंधित है। चीजें क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारत में स्थित, वही प्रश्न आ गया, दो बार रिपीट हो गया। चलिए, जातक कथाएं संबंधित हैं, जो जातक कथाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? क्योंकि आपको ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है आपके सामने चार धर्म है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो यहीं पर यही प्रश्न पूछा है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो जो जातक कथाएं है ना, वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। इन जातक कथाओं के वर्णन के बारे में यदि हम बात करें तो ये सूत पीटक के, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था सूत पीटक, उस सूत पीटक के खुद्दक निकाय में है। कौन से निकाय में? खुद्दक निकाय में। अब यहां पर आपसे प्रश्न जो पूछा गया था ना पिछले रेलवे के एग्जामों में, वो सीधा सीधा ये पूछा गया था कि जातक कथाएं संबंधित है। देखिए यदि यहां से प्रश्न बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जातक कथाओं का वर्णन सूत पीटक के किस निकाय में है या कौन से पीटक में है, सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सूत पीटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई? देखिए चार बौद्ध संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म में, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रश्न का आंसर देख लें तो वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक, अब ये पूछ रहा है किसके द्वारा संचालित की गई, तो वो संचालित की गई थी कालाशोक के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम पहले। देखिए सबसे पहले बात आती है समय की कि कब कब हुई, उसके बाद बात आती है कि कहां पर हुई, किसके शासनकाल में हुई और अध्यक्षता किसने की। ठीक है, ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई थी आपकी 251 ईसा पूर्व और चौथी हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक, इसके बाद कहां कहां पर हुई यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हुई थी राजगृह में पहली, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में, ठीक है, चौथी हुई थी कुंडलवन में। ये सारणी बना लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद किसके शासनकाल में पहली हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी आपकी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में और अध्यक्षता किसने की। अब यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अध्यक्षता की बात करें तो पहली की थी महाकश्यप ने, महाकश्यप, दूसरे ने की सभाकामी, तीसरी की थी मोगली पुत्र तिसम ने और चौथी बौद्ध संगीति की थी वसुमित्र ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं चारों बौद्ध संगीतियों से संबंधित कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी, उनमें कहां पर हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी और किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। देखिए यहां पर आपके सामने सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, अध्यक्षता की थी। ठीक है, दूसरी है 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सभाकामी ने, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक, तीसरी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिसम ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथी की बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन, कनिष्क ध्यान रख लेना और साथ में वसुमित्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने, चारों बौद्ध संगीतियां कब कब हुई थी, इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, साथ ही बात करें हम किसके शासनकाल में ये संपन्न हुई थी। चार बौद्ध संगीतियां, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आशा है कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसके अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिगंबर संप्रदाय निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? एकदम सीधा सा प्रश्न आपके सामने रखा है, इस प्रश्न को तो आप आसानी से
हल कर सकते हो। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो आपको पता है ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। देखिए जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय। देखिए दो हैं, एक आपका श्वेतांबर है और एक आपका दिगंबर है। श्वेतांबर के बारे में बात करें तो स्थूलबद्र और उसके जो अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। स्थूलबद्र और उसके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कैसा वस्त्र? सफेद वस्त्र धारण करते हैं, महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? महावीर स्वामी की ये पूजा करते हैं। चीजें क्लियर। दिगंबर की बात करें तो बद्र भाऊ और उनके अनुयायियों को कहा जाता है दिगंबर। बद्र भाऊ है, अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के दो भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो स्थूलबद्र और उनके अनुयायियों को कहा जाता है, जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। दिगंबर जो है वो बद्र भाऊ और उनके अनुयायियों को कहा जाता है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थ कर रहे हैं? 24वें तीर्थ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने प्रश्न आ गया कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो कौन से थे? अभी मैंने बताया था डी ऑप्शन डी 24वें। पहले कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव थे। कौन थे पहले? ऋषभ देव। 22वीं बात करें तो अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी, ठीक है। 23वीं बात करें तो 23वें पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। पहले थे ऋषभ देव। इसके बाद 22वें की बात करें तो 22वें तीर्थकर जैन धर्म के अरिष्टनेमी थे और 23वें जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वामी महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? जो महावीर स्वामी है इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में। अब देखिए आपके सामने यहां पर पावापुरी दिख रहा है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी जो है ना वो बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी है। ठीक है, नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। और पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। कुंडग्राम में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम की बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनकी माता का नाम के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ये आपको ध्यान रखने। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखिए। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? जो देखिए 23वें तीर्थ करते पार्श्वनाथ, उनके बारे में आपसे यहां पर प्रश्न पूछा गया किस राज्य में स्थित है? तो किस में? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। जो पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां पर? खजुराहो में। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ओसिया राजस्थान, जहां पर महावीर जैन मंदिर है। कौन सा जैन मंदिर है? महावीर जैन मंदिर है। कहां पर? ओसिया राजस्थान में। ठीक है, इसके साथ एक आपको दिख रहा है गिरनार गुजरात, जहां पर है नेमिनाथ जैन मंदिर। कौन सा है? नेमिनाथ जैन मंदिर है। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ओसिया राजस्थान में है महावीर जैन मंदिर। कौन सा है? महावीर जैन मंदिर। साथ में बात करें बच्चों, गिरनार गुजरात में कौन सा है? नेमिनाथ जैन मंदिर। क्योंकि तीनों जैन मंदिर हैं तो इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जैन मंदिर की, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म आप पढ़ते हैं तो आप उसको आसान भाषा में ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से रेलवे जो एग्जाम पूछती है वो किस प्रकार से प्रश्न उठाती है। आपने देखा होगा कभी पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, और भी इस प्रकार से ऐसे प्रश्न है
जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो कि रेलवे आपसे पूछता है। तो तैयारी वो सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है, तैयारी क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जो जैन मठ संस्थान होते हैं उनको बसदी कहा जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में परीक्षा में यह मिला था बसादीस, क्या मिला था बसादीस, ध्यान रखना। तो ऑप्शन यहां पर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसादीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में जिन पांच बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? इंपोर्टेंट पर्सन है, क्या है, इंपोर्टेंट पर्सन है, पर्सन बड़ा है, आंसर छोटा सा है। कि जीवन में जिन पांच बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, कह सकते हैं कि जैन धर्म के पांच व्रतों को महाव्रत कहा गया है। जैन धर्म के जो पांच व्रत हैं उन पांच व्रतों को क्या कहा गया है, महाव्रत कहा गया है। अब वो पांच कौन कौन से हैं वो देखिए, पहला आपका यहां पर लिख लेते हैं हम, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है ऐस्ते, ठीक है, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये पांच व्रत हैं जैन धर्म के जिनको महाव्रत कहा जाता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा न करना। सत्य का मतलब कि कभी झूठ मत बोलना या हमेशा सत्य बोलना। ऐस्ते मतलब होता है चोरी न करना, क्या न करना, चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन इकट्ठा न करना, धन का कभी संचय न करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रिय निग्रह करना। ये तो आपको पता है ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, ठीक है। ये पांच व्रत हैं जिनको जैन धर्म में पांच व्रतों को महाव्रत की संज्ञा दी गई है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है ये तो देखिए, कि इनमें से किसका अर्थ है गैर अभिग्रहण, तो किसका अर्थ है, अपरिग्रह का। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का इकट्ठा न करना, धन संचय ना करना। तो ये पांच वर्त आपको पता होने चाहिए। देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये आपको चार ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में दे देगा, एक चौथा बसदी दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो पांच महावर्तों में नहीं आता, तो वो कौन सा होगा, बसदी होगा। तो पांचों जो व्रत हैं जिनको महाव्रत की संज्ञा दी गई है ये आपको याद होने चाहिए। फिर से देख लीजिए, अहिंसा, सत्य, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और इनके अर्थ आपको भी पता होने चाहिए, जैसा कि अर्थ से संबंधित ही प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये अभी अभी हमने कर लिया था, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, ठीक है, जैन धर्म में जो जैन शब्द है ना वो एक संस्कृत का शब्द है, और वो कौन सा है, जिन, जिसे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अब उस जिन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विजेता, क्या होता है, विजेता या विजय, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा, जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर क्या कर ली हो, विजेता प्राप्त कर ली हो। उस शब्द जैन धर्म में जैन शब्द किससे संबंधित है, संस्कृत के जिन से लिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैन धर्म में जैन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजय, ठीक, अर्थात विजेता। इसका मतलब जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर क्या कर ली हो, विजय प्राप्त कर ली हो। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर हमारा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैन अवेस्ता रिक्त स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, एक ग्रंथ है, क्या है, एक ग्रंथ है, ठीक है। जैसे सिख धर्म में कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, उसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। जैन अवेस्ता जो कि पारसी धर्म का है, कौन से धर्म का है, पारसी धर्म का है, ठीक, पारसी धर्म का,
और पारसी धर्म के कौन थे? जरथुष्ट थे। कौन थे? जरथुष्ट। और उन्हीं की शिक्षाओं का संकलन है किसमें? जैन अवेस्ता में शिक्षाओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो देखिए, तोरा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? यहूदी धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक के बारे में बात करें तो त्रिपिटक जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको मैंने बताया था अभिधम पिटक, सूत पिटक और एक था आपका विनय पिटक, ठीक है। तीनों पिटकों के बारे में बताया था, तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो सिख धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? सिख धर्म से। धम्मपद की बात करें, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है, इस टॉपिक से संबंधित नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। धम्मपद की जो व्याख्या है ना, किसने की थी? अशोक ने की थी। धम्मपद की व्याख्या किसने की थी? अशोक ने की थी, जो कि हम अगले जो टॉपिक पढ़ने वाले मौर्य वंश उसमें इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो तोरा किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? जो तीर्थकर होता है ना, इस शब्द का मतलब क्या होता है, या फिर तीर्थकर कहा किसे जाता है? जिस प्रकार से 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी, उनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या तीर्थकर बोला जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो उसको बोला जाता है तीर्थकर। क्या बोला जाता है? तीर्थकर बोला जाता है, जो धर्म का क्या हो? रक्षक हो, आध्यात्मिक शिक्षक हो, जो अध्यात्म के बारे में ज्ञान देता हो, शिक्षक हो, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो उसको बोला जाता है तीर्थकर। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सामने यहां पर रखे हैं। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यदि आपका कोई भी प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित या फिर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि जो रेलवे की क्लासेज है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। शानदार ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। आप उस क्लास को पढ़कर एक ऐसा महसूस कर सके, हाँ कि हमने कुछ अच्छा ही पढ़ा है और हमें कुछ याद ही हुआ है, ठीक है, कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद।